देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीन तारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं जय जगन्नाथ। सभी भक्तों का स्वागत है जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा के बाद में। और जैसा कि आप जानते हैं और आप सब लोगों ने टीवी के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से दर्शन किए होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया होगा इस जगन्नाथ रथ यात्रा में जो आपके आसपास के शहर में यात्रा हुई होगी या आपके ही शहर में यात्रा हुई होगी और आप गए होंगे उस यात्रा में। और कुछ आप में से ऐसे भाग्यशाली होंगे जो जगन्नाथपुरी आए होंगे उस यात्रा में भाग लेने के लिए। बहुत ही दिव्य अनुभव था इस बार यात्रा में और लाखों लाखों की संख्या में भक्त लोग थे, फिर भी भगवान की कृपा थी। जिस जिसने हिम्मत की आराम से भगवान की रस्सी खींच पाए, भगवान का रथ खींच पाए और दिव्य भगवान की कृपा का अनुभव किया उन्होंने कि किस प्रकार से हम कहीं अपने शहर में बैठे थे, दिल्ली गुड़गांव सूरत बॉम्बे कहीं पे बैठे थे और भगवान ने वहां से हमें उठाया और उठा करके रथ के सामने रख लिया। ऐसा अनुभव किया होगा उन्होंने। शुरू करते हैं आज के मुख्य श्लोक से। भगवद गीता का अध्याय 9 चल रहा है और भगवान कृष्ण अपना योग महेश्वर बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान एक जगह स्थित होकर के इस पूरे भौतिक जगत का जो दृश्य जगत है उसको निर्माण करते हैं, फिर से खत्म करते हैं, फिर निर्माण करते हैं, फिर खत्म करते हैं और कभी भी वो इन कर्मों के अंतर्गत नहीं आते हैं, कभी भी वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। और लास्ट में हमने श्लोक समझा था जो 90 अध्याय का श्लोक था, श्लोक संख्या आई थिंक 10 था, जिसमें हमने समझा था कि मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते च चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जिसमें हमने समझा था कि ये पूरी प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में काम करती है और जिससे सारे के सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान ये बात क्लियर कर दिए हैं कि ये पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति, पूरा ये भौतिक जगत जो हमें अपने आंखों से दिखता है, ये जगत जो है प्रकट होता है और अप्रकट होता है, ये जो जगत है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करता है, बार बार सृजित होता है और विनष्ट होता है। अब हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में जो लोग ऐसे हैं जो भगवान को समझना नहीं चाहते, जो मूर्ख लोग हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मूर्ख लोग क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी दोहराएंगे। रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप में से सुमन माता जी श्लोक को दोहराइए। अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषिम तनुमाश्रितम, मानुषिम तनुमाश्रितम, परम भावम जानन्तो, परम भावम जानन्तो, मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम, अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषिम तनुमाश्रितम, मानुषिम तनुमाश्रितम, परम भावम जानन्तो, परम भावम जानन्तो, मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम। अब उच्चारण कीजिए एक बार। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषिम तनुमाश्रितम, परम भावम जानन्तो, मम भूत महेश्वरम। बहुत अच्छा, हरि बोल। शब्दार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आज का टाइटल क्या था, कौन बताएंगे? मूर्ख लोगों का दृष्टिकोण। मूर्ख लोगों का दृष्टिकोण हम 2-3 बार समझे हैं, अध्याय 7 में भी इस बात को समझे थे और
पिछले कुछ श्लोकों से भी ये बात समझते आए हैं, इसी बात को हम अब आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो शब्दार्थ दोहराइए। अवजानंती उपहास करते हैं। इस श्लोक का जो मुख्य शब्द है वो यही है, अवजानंती उपहास करते हैं। बहुत सारे लोग उपहास करते हैं, किस प्रकार उपहास करते हैं और वो हम समझेंगे आगे। दूसरा कह रहे हैं माम मुझको। मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति। मानुष्यम मनुष्य रूप में। तनुम शरीर। आश्रितम मानते हुए। परम दिव्य। भावम स्वभाव को। अजानंतह न जानते हुए। मम मेरा। भूत प्रत्येक वस्तु का। महाईश्वरम परम स्वामी। जी बहुत सुंदर। श्लोक के कुछ शब्दों को आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पूनम गर्ग माता जी, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभु जी कंट्रोलर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? महेश्वरम परम कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण। किसके? भूत सारे के सारे, जितने भी वस्तु है, जीव है, सब परम नियंता है। मैं खुद कह रहे भगवान, मैं मेरा। और अब आगे समझने की बात है कि भगवान कह रहे परम भावम। ये शब्द नोट करेंगे आप, और आज के बाद अगर कोई लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भगवान तो एक साधारण मनुष्य थे और फिर एक वो महान मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं है। परम भावम अजानंतो, मेरा भाव कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप जो है वो दिव्य है, मेरा स्वभाव जो है वो दिव्य है। भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं, परम भाव अजानंतो मम भूत। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे के सारे जीवों का, सारे की सारे वस्तुओं का स्वामी हूं। तो आगे हम इसके अनुवाद से समझेंगे। अनुवाद दोहराइए माता जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, माता जी दोहराइए। बच्चा बैठा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। पूरा का पूरा श्लोक महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित हमने पहले कुछ श्लोक समझे हैं, उसमें आप सभी लोग रेफरेंस में मदद कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला शब्द था अवजानंती। अवजानंती मतलब क्या है? उपहास करते हैं। कौन लोग उपहास करते हैं? तो वो आगे लिखा हुआ है मूढ़ाम। मूढ़ा मतलब क्या है? मूर्ख लोग। बूढ़ा मतलब मूर्ख लोग। तो मूर्ख लोग उपहास करते हैं, और किस बात के लिए उपहास करते हैं या क्यों उपहास करते हैं? आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का उपहास क्यों करेंगे कोई लोग। तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है, भगवान श्री कृष्ण का उपहास क्यों करते हैं ये लोग? तो कह रहे हैं मानुषिम तनुमाश्रितम। क्या मतलब है इसका? मानुषिम तनुमाश्रितम का मतलब क्या है? मनुष्य का शरीर धारण करने से। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, एक बार फिर से शब्द को नोट करेंगे। जैसे कि एक शब्द था उदासीनवत, क्या मतलब था स्वाति जी उस शब्द का? उदासीनवत एक शब्द आया था ना श्लोक संख्या 9 में, उदासीनवत। कोशिश कीजिए, तटस्थ रहना प्रभु जी। हाँ माता जी, तटस्थ रहना, निरपेक्ष रहना। आपका नाम ठीक है स्वाति जी, क्या था? न्यूट्रल प्रभु जी। न्यूट्रल, पर वो उदासीन वत है, एग्जैक्टली बताना है। उदासीन मतलब, वत हरे कृष्णा प्रभु मतलब प्रभु जी है ना प्रभु जी। हाँ।
अच्छा जाए ना वो उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ये पहली बार तो बोल ले रहा हूँ। तो क्या कहा गया है, उदासीन वत, मतलब क्या है, उदासीन की भांति, उदासीन की तरह, वो उदासीन है नहीं लेकिन वो उदासीन की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान इनएक्टिव है कुछ भी नहीं करते, नहीं, वो बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं लेकिन भौतिक रूप से वो अपना कार्य करके वो उदासीन रहते हैं। भौतिक रूप से उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनकी शक्तियां करती है। इसलिए भगवान कैसे रहते हैं, उदासीन वत। बेस्ट एग्जाम्पल क्या था इसके लिए स्वाति जी, जो हमने पढ़ा था श्लोक में, बताइए, फिर हम आगे जिससे पूछेंगे वो उत्तर दीजिएगा। यस, क्या एग्जाम्पल समझा था, हाईकोर्ट का जज जो होता है तो रिवॉर्ड देता है, किसी को पनिशमेंट देता है, खुद नहीं देता है कि खुद देगा, उसकी शक्तियां फिर बस वो अनाउंस कर देता है, फिर वो बाकी लोग उसके जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार से अब आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं वो था उदासीन वत, और यहाँ पर क्या है, मानुषिम तनु आशिता। मानुषिम, मानुषिम का मतलब क्या है, जब मैं मनुष्य जैसा रूप धारण करता हूं। इन शब्दों को नोट कीजिएगा, भगवान ये नहीं कह रहा है कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं या मनुष्य रूप धारण करता हूं, मनुष्य जैसा रूप धारण करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आने वाला है, तो जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पर जन्म लिए थे जेल के अंदर, जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर जेल में जब प्रकट हुए थे, तब जाके कोई तो बोलो रे, कुछ तो बोलो, कैसे सुन सकते हो ये सब बातें, कोई तो बोलो, माता जी आप बंद बोलना, कोई तो बोलो, मैंने क्या गलत बोला है बताओ प्रभु जी, देवकी और वसुदेव जो थे वो जेल में थे और उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए थे। चुपचाप सुन लेते हैं आप तो बस। तो देवकी और वसुदेव के यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए थे, सर्वप्रथम मालूम है आपको, भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वस्त्र धारण करियो, पूरा एकदम ज्वेलरी वगैरह मुकुट वगैरह सब धारण करके प्रकट हुए। तो देवकी मैया बोलती है भगवान ऐसे प्रकट हो गए तो कृष्ण जो कंस है उसको शक नहीं होगा क्या, कंस है उसको शक तो होगा कि हाँ यही भगवान है, यही प्रकट हुआ, यही मेरा आठवां जो शत्रु था जो मुझे मारने वाला है, तो बेटर है आप छोटे से बच्चे बन जाओ, नॉर्मल सिंपल सा जो होता है ना क्यूट सा बच्चा, गोलू मोलू बन जाओ आप। तो भगवान श्री कृष्ण क्या रूप धारण कर लेते हैं, एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं, बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे किसी को शक ना हो कि यही भगवान है और यही जो है कृष्ण है और यही मेरा वध करने के लिए आने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान ने रूप धारण किया, और ऐसे रूप को मूर्ख लोग क्या समझ बैठते हैं, मानुषिम तनुम आशित। यहाँ पर एक पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूं उसको आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं मालूम है, मूर्ख लोग सोचते हैं वो चार भुजाओं वाले जो थे वो तो भगवान थे, बाद में जब वो दो भुजाओं में छोटे से बालक बन गए वो भगवान नहीं। क्या बोलते हैं लोग, जो चार भुजाओं वाले थे वो तो भगवान है लेकिन जो दो भुजाओं में प्रकट हो गए वो भगवान नहीं है। अब हम कुछ बातें आप लोगों से सुनना चाहेंगे, ठीक है, अब आप लोग बताइएगा क्या कहा जा रहा है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख लोग कैसे उपहास करते हैं भगवान का बताइए, एक कोई भी भक्त बताइए, मूर्ख उपहास करते हैं भगवान का बताइए। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ आप बताइए, स्वयं रोशनी गुप्ता जी थोड़ी रोशनी दीजिए। भगवान को मतलब जैसे कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो बोले भगवान भगवान शरीर रूप में नहीं है, नहीं रहते, व्यक्ति रूप में नहीं है जी। और कैसे मजाक उड़ाते हैं लोग,
भगवान प्रभु जी हरे कृष्णा, उन्होंने गाय चराई, माखन चोरी करी, गोपियों के साथ में जो है लीला करी, तो इसलिए लोग उनको भगवान नहीं समझते थे, वो समझते ऑर्डिनरी लड़का है तुझे। हाँ, और कैसे मजाक उड़ाते हैं, बहुत तरह से मजाक उड़ाते हैं, ये कैसे तुम्हारा भगवान हो सकता है, ये तो माखन चोरी करने वाला था, ये कोई भगवान हो सकता है क्या, और ये कालिया कालू ये कोई भगवान हो सकता है क्या, कृष्ण के लिए भगवान के लिए ऐसे भी शब्द उपयोग करते हैं लोग। और क्या बोलते हैं, जो माखन चोरी करता है, दूसरों की मटकियां फोड़ता है, वो कोई भगवान हो सकता है क्या, इस प्रकार से उपहास करते हैं। और जो कॉमन आजकल चलता है, जो आजकल के लोग भी उपयोग करते हैं, वो कॉमन क्या है, कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। वास्तव में वो कभी नहीं समझ पाते कि पूरी प्रकृति पूरा जगत के स्वामी वो है, सबके स्वामी वो है, हम सबके पति वो है, हम सब लोग प्रकृति हैं और वो पति है, हम सब लोग एंजॉयड हैं और वो एंजॉयर है, वो भोगता है और हम सब लोग भोगे जाने वाले हैं, हम वो ईश्वर परम ईश्वर है, हम सब लोग नियंत्रण में लिए जाने वाले हैं। तो आइए अब हम इन और बातों को समझेंगे और किस प्रकार से हमें जो लोग हैं कभी ये बोल देते हैं कि नहीं भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति थे, तो आप क्या बोलोगे, 9.11 क्या बोलोगे आप, 9.11 और कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, 9.11 में भगवान बोलते हैं कि मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं और मेरा उपास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मुझ परमेश्वर के, मैं कौन हूं, परमेश्वर, सारे ईश्वरों का ईश्वर, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, परम भाव म जानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरे परम भाव को नहीं जानते, इस कारण से वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप में से कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट बताना है आपको, आप उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं थे पर जब आपने पहले तो मजाक उड़ा लिया, जब आपको मालूम पड़ा तो कहने लगे अरे यार मैंने क्या कर दिया, सॉरी सॉरी, एक आध इंसिडेंट कोई ट्राई करेंगे, विनोद जी किससे बात कर रहे हैं आप, बहुत बिजी लग रहे हैं, एक आध इंसिडेंट कोई भी अच्छा इंसिडेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं रोड पे चलते हुए मैंने सांप को कुत्ता समझ लिया, कुत्ते को फिर, हरे कृष्णा, बताइए किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ, बताइए, हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी, ये इंसिडेंट मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन देखा है, जब मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में थे और वो उनको जब डॉक्टर साहब एक देखने आए तो डॉक्टर साहब इतने नॉर्मल दिख रहे थे क्योंकि वो कैजुअल उसमें आए हुए थे, तो जो नाइट ड्यूटी में जो सिस्टर थी उन्होंने उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन समझा, और जब उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी तो वो बड़े वैसे तरीके से कि अभी नहीं रिपोर्ट देंगे बाद में दिखाएंगे, फिर डॉक्टर साहब ने दूसरे से कहा रिपोर्ट ली, तो जो सिस्टर थी बाद में उसको पता चला कि ये डॉक्टर है, तो वो उसी तरीके से जैसे आपने करा जीभ बाहर निकाल के दांतों तले दबा के और आश्रम में फिर आके उन्होंने सॉरी फील किया और कहा कि अरे मैं आपको समझ नहीं पाई, तो डॉक्टर भी कहने लगे कोई बात नहीं हो जाता है ऐसे, तो वो इतने बड़े डॉक्टर होने पे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उन्होंने समझा कि हाँ सबसे हो सकती है, क्योंकि इस समय मैं ड्यूटी पे नहीं था वैसे ही आया हूँ, तो शायद मुझे पहचानने में इसमें गलती की। यस, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वैसे रिनल माता जी आपके लाइफ में कोई एग्जांपल नहीं है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, कोई एग्जांपल नहीं है, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है मैं दो एग्जांपल बता देता हूँ, मेरी लाइफ में भी है लेकिन मैं मेरी लाइफ का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं बता रहे। तो एक बार क्या हुआ कि एक भारत से एक बच्चा था, उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, वो अमेरिका पहुंच गया, वहां पर जाकर के वो एक बस में बैठा
और बस में बैठने के बाद में वो जा रहा था तो पास में एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, थोड़ा सा उम्र वाले थे और वो माला जप कर रहे थे। और जब महाराज जब माला जप कर रहे थे तो माला जप कर रहे थे उसने मजाक उड़ाया था, आई थिंक इंग्लैंड में होगा ये, तो माला जप कर रहे थे तो उसने मजाक उड़ा दिया, अरे कहाँ तुम माला जप कर रहे हो यार, इतना अभी इस इंग्लैंड जैसे शहर में रहते हो और ये माला जप कर रहे हो बस में, वो भी करना है तो घर पे कर लेना। और उसका मजाक उड़ाने लगा, कैसे तुम यहाँ भारत से बाहर रह के भी ऐसे मस्ती करने का टाइम है, मौज करने का टाइम है, तुम ये सब कर रहे हो। तो व्यक्ति चुपचाप सुनता रहता है और उसकी खूब वो मजाक उड़ा लेता है। उसके बाद में जैसे ही वो उतरता है वो व्यक्ति अपना कार्ड दे के चला जाता है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। वो इतना मतलब क्या बोलते हैं, पानी पानी हो गया या क्या बोलेंगे, कि वो शर्मसार हो गया पूरी तरह से कि मैंने क्या कर दिया। तो जब किसी के बारे में नहीं जानते हैं तब हम मजाक उड़ा देते हैं, अब जानंती ना जानकर माम मूढ़ा मूर्ख लोग मेरा जो मजाक उड़ा देते। एक और बेस्ट एग्जांपल है भगवद गीता से संबंधित विक्रम सारा भाई का। विक्रम सारा भाई उस समुद्र के किनारे बैठ करके भगवद गीता पढ़ रहे थे और किसी का उस उधर ही भाभा एटॉमिक सेंटर में सिलेक्शन हो गया, वो भी वहां गया था समुद्र किनारे और वहां उसी बेंच पे जाकर के बैठ गया और जाकर के बोलता, अरे एटॉमिक सेंटर में तुम रहते हो, यहां पर आए हो और यहां पर रह करके तुम ये भगवद गीता पढ़ रहे हो, कुछ स्पेस साइंस पढ़ो, कुछ एरोनॉटिकल साइंस पढ़ो, तुम क्या कर रहे हो ये। तो बड़ा मजाक उड़ा देते हैं उनका। और वो विक्रम सारा भाई जो है चुपचाप सुनते रहते हैं और वहां से फिर अपने भगवद गीता पढ़ने के बाद खड़े होकर के वो जाने लगते हैं। जैसे ही जाते हैं ना, पांच छह बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, गनमैन आ जाते हैं और सब उनके चारों तरफ रहते हैं। फिर चार पांच गाड़ी आती है, फिर पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ी आती है उसमें वो बैठते हैं, फिर उसके पीछे दो चार गाड़ी आती है, फिर वो जाते हैं। और उसके बाद में फिर वो व्यक्ति जो लड़का था बोले, ये कौन था, ये कौन था, बोले इसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो मालिक है, जो यहाँ के हेड है, वो विक्रम सारा भाई थे। फिर से वो क्या शर्मसार हो गया कि अमूढ़ा मूर्ख लोग मजाक उड़ा लेते हैं। तो आज के बाद अब एक प्रैक्टिकल अपने लिए भी आप शिक्षा धारण करेंगे, वो क्या है, अगर कोई आपको नहीं जानता, आपके बारे में नहीं जानता और कोई उलुल सुलुल जुलुल गुलुल मुलुल टुलुल पुलुल बोल देता है तो आप क्या नहीं होंगे, उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वास्तव में भगवान का स्वभाव कैसा है, दिव्य। भगवान का शरीर कैसा है, सच्चिदानंद। लेकिन मूर्ख लोग समझते हैं ये भौतिक है, मनुष्य रूप में है, तो इस प्रकार से फिर उनका वो मजाक उड़ा लेते हैं। आइए अब हम आगे समझते हैं तात्पर्य में। श्लोक समझ में आ गया ना आप सबको, मूर्ख लोग भगवान का मजाक और उपहास करते हैं, क्यों, क्योंकि वे भगवान के दिव्य स्वरूप को, दिव्य स्वभाव को और भगवान के परमेश्वर होने को नहीं जानते हैं। कब मजाक उड़ाते हैं, जब मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मनुष्य रूप में अवतारते हैं। तो आजकल ये जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी वाले जो हैं, मिमिक्री वाले जो हैं, ये भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। या फिर जो मूवी वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, वो भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। तो हम सबको समझना होगा अच्छे से, जब हम गीता के संदेश को अच्छे से समझेंगे तो आप कह पाएंगे। अच्छा, सातवें अध्याय का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकृति, इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाला हूं, कौन सा श्लोक है, यस कौन सा श्लोक है सातवें अध्याय का, जल्दी बता दो प्लीज। प्रभु जी टेक्स्ट नंबर सिक्स नहीं, जिसमें भगवान कहते हैं मैं तीनों गुणों से परे हूँ। 7.14 है प्रभु जी, 14 नहीं है, भूल गए आप लोग, दो बार डिस्कस हुआ है तो। 7.4 है प्रभु। हाँ 7.4 प्रभु, 7.12 कितनी बार डिस्कस किया हमने, सातवें अध्याय का 12वां श्लोक है जिसमें भगवान क्या कहते हैं, देखो भगवान ने क्या कहा, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं,
चाहे वह सतो गुण हो, रजो गुण हो या तमो गुण, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं, ये गुण मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। और जो हमारा श्लोक संख्या कितना था, 10 अध्याय 9 का, क्या था, मयाध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, पर मैं इसके अधीन कभी भी नहीं होता हूँ, मैं हमेशा इनसे विरक्त रहता हूँ। जो श्लोक संख्या 9 में हमने देखा था कि भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। आइए आज का तात्पर्य अब हम समझते हैं। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। सामान्य व्यक्ति ब्रह्मांड पूरी प्रकृति सृष्टि उत्पन्न कर सकता है क्या, या सृष्टि समाप्त कर सकता है क्या, या ब्रह्मा जी जैसे लोगों को जन्म दे सकता है क्या, नहीं। इसलिए क्या कहा गया है कि इसी अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। सारे जगत का क्या क्या करते हैं भगवान, सबसे पहले सृजन, फिर पालन, फिर संहार। ये कहां बताया भगवान ने, पिछले श्लोकों में बताया है। भगवान ही क्या करते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। कहां बताया पिछले श्लोक में, देखिए श्लोक संख्या 5 भगवान ने क्या कहा था, श्लोक संख्या 5 में, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मैं इसका अंश नहीं हूं। ये भी एक कब का श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। रीजनल माता जी ऐसे बताएंगे आप, ऐसे क्या बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण भौतिक नहीं है, अध्याय 7 श्लोक संख्या 12, अध्याय 9 श्लोक संख्या 5, अध्याय 9 श्लोक संख्या 6, अध्याय 9 श्लोक संख्या 9, अध्याय 9 श्लोक संख्या 10, सब में यही बता रहे भगवान कि मैं भौतिक नहीं हूं, भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती श्लोकों में कहा गया है। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से स्पष्ट है कि वो यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, जल्दी से बताइए, एक बार अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, कथा चल रही है ना, पूनम शर्मा माता जी कहाँ कथा चल रही है, ठीक है, तो एक बार कोई, पूनम गर्ग माता जी, हरे कृष्णा, कैसे जगाऊं मैं आपको, हरे कृष्णा प्रभु जी, जगे हुए प्रभु जी, सब गा रहे हैं। अच्छा, जगे हुए क्या, ओके ठीक है, तो बात हम ये पूछ रहे थे, आपको उत्तर देना है कि एक बार अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हॉस्पिटल में चला गया तो हॉस्पिटल जाने मात्र से वो रोगी बन जाता है क्या, वो प्राइम मिनिस्टर हॉस्पिटल में मिला था वो भी शायद उसको भी कैंसर हो रखा है, ऐसा है क्या, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है। या फिर वो पागल खाने में चला जाए कि मैं पागल खाने में आया हूँ कि मैं चलो देख के आता हूँ कौन कौन पागल है, तो बाकी लोग पागल क्या बोलते हैं, अरे एकर पागल आ गया, एकर पागल आ गया तो प्राइम मिनिस्टर पागल है क्या। उसी प्रकार से अगर प्राइम मिनिस्टर जेल में चला जाए, ओ ये भी कुछ पाप करके आया है, कर्म करके आया है, चलो ये भी पापी एक नंबर का, तो उसको भी जेल में आ गया तो क्या वो ऐसा पाप करके आया क्या, वो शायद उन जेल वालों का, शायद वो हॉस्पिटल वालों का, शायद वो पागल खाने वाले लोगों का उद्धार करने आया हो। समझ में आ रहा है आपको, जेल में रहने वाले लोगों का उद्धार करने आया है, यदा यदा ही धर्मस्य, और वहां पर आकर के उनको मुक्त करा के लेके जाता है, चलो इसकी सजा माफ कर दो, इसकी भी सजा माफ कर दो, इसको जो है अपने पास बुला लो। इस प्रकार से वो जो है प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं किसी
जेल वगैरह में, तो वो किसके लिए जाते हैं? उनके उद्धार के लिए जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं, आगे तात्पर्य में आगे बढ़िए। ये दो एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल याद कर लीजिए प्लीज, थ्री एग्जाम्पल्स, जेल का एग्जाम्पल, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल एंड पागल खाने का एग्जाम्पल। आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा। तीन उदाहरण दीजिए, तीन उदाहरण दीजिए। बैटरी सेवर ऑन है पर लाइट नहीं। तीन उदाहरण दीजिए, तीन उदाहरण क्या देने हैं? कि किस प्रकार से अगर भगवान प्रवेश करते हैं भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रवेश करते हैं। देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, गोकुल के सारे वासी, इवन कंस, रावण, क्या क्या नाम है उसका, कंस, रावण और आपका क्या नाम है, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, इन सब का भी उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कहाँ गए? भारत की भाषा में बोले तो हिप्पी वाड़ा में गए थे। कहाँ गए थे बोलो? हिप्पी वाड़ा। हिप्पी वाड़ा में गए, और हिप्पी वाड़ा में गए, हिप्पी क्या सोच सकते हैं? हाँ, एक और हिप्पी आ गया। प्रो हिप्पी ने क्या किया? वो हिप्पी नहीं, वो हैप्पी थे और सबको हैप्पी बना दिया, सबको मुक्त करा दिया उस हिप्पी नेचर से। ये एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? आपके साथ चर्चा करते तो सारे अच्छी अच्छी बातें याद आती है। आप लोग बहुत अच्छे। हरी बोल। नेक्स्ट, जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। वो मनुष्य नहीं है, वो परम भगवान है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, वही जो इस जगत का जो है सृजन पालन और संहार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? ओरिजिनल पालन करने वाले, ओरिजिनल संहार करने वाले और ओरिजिनल सृष्टि करने वाले। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे अनेक मूर्ख हैं तो भी, ये सब बात होने के बाद भी, ठीक है, तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। सभी लोग बोलिए जी, सबको बोलना है, ये तो याद है आपको, ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है, और क्या है? अनादि, बिगिनिंगलेस, आदि, उनसे ही सब कुछ शुरुआत होता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं से सब कुछ की शुरुआत होती है, और अनादि, उनका कोई बिगनिंग नहीं है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, वो है भगवान श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बाद अच्छे से श्रवण कीजिएगा, भाग लीजिएगा, प्रतिदिन इसी प्रकार से कार्यक्रम में पधारिएगा। तो क्या कहा जा रहा है? ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते थे। जैसे क्या उदाहरण है? दुर्योधन, शिशुपाल, दुर्योधन, और वो कौन था? पांडव। दुर्योधन वगैरह क्या समझते थे? ये बालक ग्वाला कहीं का, थोड़ा बहुत ताकत आ गया तो इससे हम डर जाएंगे क्या? तो ये समझने की आवश्यकता है, मूर्ख लोग जो हैं भगवान कृष्ण के शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाते। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त
और कुछ नहीं मानते, मात्र एक शक्तिशाली पुरुष मानते हैं। ये भारत में भी अभी बहुत बड़े, भारत के भी बहुत बड़े स्पीकर माने जाते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं, बहुत बड़े क्या कह सकते हैं स्पिरिचुअलिस्ट माने जाते हैं। उनका नाम अगर कहूं तो कह सकता हूं, वैसे तो वो खुद अपनी बात मुंह से बोलते हैं तो मैं इनडायरेक्टली बोल देता हूं उनका नाम, जो सदगुरु के नाम से फेमस है, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम कुछ और है। जो सदगुरु के नाम से जो फेमस है वो व्यक्ति क्या कहते हैं, कृष्ण एक सामान्य बालक था हमारे जैसा, और फिर क्या हुआ, वो गोवर्धन पर गया गैया चराने, वहां जाकर के उसको जो एनलाइटनमेंट हो गया, वहां जाके उनके अंदर शक्ति आ गई, बस आप भी कृष्ण बन सकते हो, कोई कठिन नहीं है इसमें, आप भी कृष्ण बन जाओगे। ये सब जो है गलत बातें बताई जाती है, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि तो भी ऐसे अनेक मूर्ख है जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण, सच्चिद आनंद विग्रह, उनका शरीर किससे बना हुआ है, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञान और आनंद मतलब आनंद, तो सच्चिदानंद का बना हुआ शरीर है उनका, वह है भगवान श्री कृष्ण। अब हम आगे समझेंगे इस बात को, अच्छे से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं आगे हम। जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, वस्तुतः वे आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे भगवान के बारे में कि उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि है, और क्या है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है भगवान, हम सबके कारण, ब्रह्मा जी के कारण, प्रकृति के सृष्टि के कारण, प्रकृति के पालन के कारण, प्रकृति के संहार के कारण, ब्रह्मांडों के सृष्टि के कारण, ब्रह्मांडों के पालन के कारण, उनके संहार के कारण, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण। और पिछले श्लोकों में भी हमने ये बातें समझी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बढ़ते हैं समझते हैं। देखिए, ईश्वर या नियंता अनेक है, शब्द आ गया, देखिए एक्सप्लेनेशन आ गया, ईश्वर या नियंता अनेक है। कितने ईश्वर हैं प्रमोद कुमार जी? एक है जी, ईश्वर एक है, ईश्वर या नियंता अनेक है लिखा है। अब आप बोल रहे हो वो सही है, गीता में लिखा है वो सही है, क्या करें बताओ, फैसला करो आप सब। ईश्वर के रूप अनेक है, हाँ, और ईश्वर के एक है। बहुत बढ़िया, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है, रुक जाओ दूसरा, हाँ तो ईश्वर कितने हैं बोलो, मैं कम्यूट करके बोलूं, ईश्वर का मतलब अगर कंट्रोलर है तो कितने कंट्रोलर हैं? प्रभु जी हम सब ईश्वर के हैं, लेकिन हम में सीमा। आपको किसने पूछा मैडम जी, ज्यादा एक्सपर्ट जी? जी प्रमोद कुमार जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या कहना है आपका इस बारे में? भगवान तो एक ही है लेकिन हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो गया। ईश्वर शब्द का मतलब होता है नियंता, और हम सब लोग, सारे लोग नियंता हैं। पहले भी तो समझाया था, कृष्ण जो है परम नियंता है, इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है। हम भी छोटे छोटे नियंता हैं। अभी आप नियंत्रित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने माइक को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो? और सुप्रीम नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो चाहे तो आप बंद करना चाहो तो भी बंद नहीं कर पाओगे, आप ओपन करना चाहोगे तो ओपन नहीं कर पाओगे, तो परम नियंता है। हम सब लोग छोटे मोटे नियंता हैं, घर में कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा, अपने कपड़ों पे, अपने कुछ किचन में या फिर अपने ऑफिस में थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम क्या पड़ोसी को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या और पड़ोसी के पड़ोसी को नियंत्रित कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है, इसलिए अब आप अच्छे से समझिए इस बात को, ठीक है? तात्पर्य बड़ा है, समझने की अत्यधिक आवश्यकता।
होता है, आधा तात्पर्य आज, आधा तात्पर्य कल, और इस प्रकार से फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, ईश्वर या नियंता अनेक है। फिर से बता रहा हूं आपको, जागो, सो जाते हो से। ईश्वर का मतलब क्या होता है? नियंता, कंट्रोलर। तो हम भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, लेकिन साधारण भाषा में हम सब लोगों के लिए ईश्वर शब्द उपयोग में नहीं लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। उनके लिए कभी जो है परमेश्वर शब्द उपयोग कभी कभी करते हैं, साधारण भाषा में उनके लिए क्या शब्द उपयोग कर लेते हैं? ईश्वर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। तो ईश्वर, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए मेरे साथ साथ, ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। उदाहरण दीजिए कुसुम सरोवर माता जी। कुसुम सरोवर माता जी से उदाहरण पूछा है। प्रभु किसी का उदाहरण पूछा आपने? उदाहरण देना है कि खिचड़ी कैसे बनती है। कहाँ ध्यान रहता है आपका? पेंसिल ले रही थी प्रभु, पेंसिल टूट गई थी। कोई बात नहीं। यस रीनल माता जी उदाहरण दीजिए। प्रभु किसी का मैं बता सकती हूँ? समझ जाएंगे। सारे देवता है तो उन सब देवताओं में जो महादेव है शंकर भगवान, वो बढ़कर है। यस, तो हम क्या सोचते हैं, ऐसा है प्रतीत होता हमारे को कि ये इससे बढ़कर है, ये इससे भी बढ़कर है, ये इससे भी बढ़कर है, ऐसा प्रतीत होते हैं। दुनिया में बहुत सारे नियंता हैं, वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा जी से लगता है कि अच्छा ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े हैं, अच्छा उनसे भी बड़े शायद शिव जी हैं, वो गणेश जी तो शायद और भी बड़े हो सकते हैं, वो तो प्रथम पूज्य हैं। तो इस प्रकार से जो मन में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बड़े होंगे। या फिर भौतिक दुनिया में अगर हम बात करें तो अच्छा जब मंदिर में भी जाते हैं, ये प्रभु जी तो थोड़े कम बड़े हैं, इनसे बड़े ये वाले प्रभु जी हैं, और इनसे बात करेंगे तो हमारा जल्दी से कुछ काम हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा प्रतीत होता है, बड़े एक दूसरे से बड़े प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है। कोई भी कार्य करें, जैसे कि एक कार्य करते हैं हम, 3 बजे स्कूल खोलते हैं, कहां पर खोलते हैं? जूम पर खोलते हैं। तो इसके निर्देशक कौन है, 3 बजे वाले क्लास के निर्देशक? विभा जैन माता जी। जब चाहे मेरे को भी म्यूट कर सकते हैं, जब चाहे पूरी क्लास को बंद कर सकते हैं, जब चाहे किसी को बाहर बिठा सकते हैं क्लास से, जाओ बाहर बैठो आराम। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इस भौतिक दुनिया में कोई भी प्रबंध कार्य होता है उसका कौन होता है, क्या होता है? नियंत्रक होता है या निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है। इसके ऊपर कौन होता है? सचिव होता है। तब विवाह माता जी भले चाहे कि मैं क्लास बंद कर देती हूँ या हरिनाम प्रभु जी को म्यूट कर देती हूँ, पर प्रभु जी चाहेंगे तो वो म्यूट नहीं कर सकते हैं। वो होस्ट का जब अधिकार ले लेंगे तो म्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आगे क्या कहा जा रहा है, सचिव होता है। सचिव मतलब होता है अध्यक्ष, प्रबंधक मतलब होता है प्रबंध मतलब मैनेजिंग कार्य वगैरह, निर्देशक मतलब डायरेक्टर। ठीक है, तो आप समझिएगा डायरेक्टर के ऊपर क्या होता है, सचिव। सचिव बोलेंगे तो प्रेसिडेंट बोल दो, ठीक है, सचिव होता है। फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके भी ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सबके ऊपर क्या होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो डिसीजन होता है फाइनल होता है। तो कहा जा रहा है कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है। मतलब क्या हुआ, छोटे मोटे निर्देशक तो बहुत सारे हैं, पहले डायरेक्टर हैं, फिर जो है कौन है, प्रेसिडेंट है, फिर और मिनिस्टर है, और फिर प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट है। तो बहुत सारे अलग अलग नियंत्रक हैं। तो भौतिक दुनिया में जो सबसे बड़ा नियंत्रक कौन हो गया, जो हमारे देश का है, राष्ट्रपति। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होता है। हर एक क्या है, नियंत्रक है। आपके घर में भी ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम, आपके घर में कितने नियंत्रक हैं?
लक्ष्मी माता जी आपके घर में कितने नियंत्रक हैं? फिलहाल तो एक ही रहता है, जो हस्बैंड रहता है। हाँ? जो हस्बैंड रहता है वो नियंत्रक रहता है, एक ही रहता है ना? एक ही रहता है। तो गरीब आज तक की सारी फिलोसॉफी का सत्यानाश कर दिया। मैंने सुना होम मिनिस्टर तो एक होता है, घर पे तो माता जी लोग मिनिस्टर होते हैं। ये काली दिखावा होती है। हाँ? तो जोर से बोलिए। ये सब तो दिखावा ही ज्यादा होती है, वैसे तो माता लोग का इतना कहाँ मिलता है, मिलता नहीं है। बोले अच्छा जी। हैं ये सब तो। जी तो बात हो रही थी कि नियंत्रक, तो घर में कितने नियंत्रक हैं? मान लीजिए कि पोता है, ठीक है, वो क्या नियंत्रित करता है? वो थोड़ा बहुत अपना बस्ता नियंत्रित कर लेता है, अपनी साइकिल नियंत्रित कर देता है। और कौन है? उसके पिताजी हैं, वो उस पोते को नियंत्रित कर लेते हैं। और पिताजी के भी पिताजी है दादाजी, तो वो उस बेटे को नियंत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार से घर में भी अलग अलग नियंत्रक हैं, और उसमें मेन नियंत्रक हो गए दादाजी, राइट। आजकल शायद होते कि नहीं मालूम नहीं, बट ऐसा हुआ करता था, ऐसा होना चाहिए आइडियली। तो इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए। एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। कृष्ण क्या है? परम नियंता। हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा नियंता बन गया हूं, मैं भगवान हिरण्यकश्यप बन गया हूं, पर भगवान ने तो बता दिया कि तू छोटा मोटा नियंता है, मैं तो तुझे आकर के ऐसे तरह शरीर को ऐसे फाड़ दूंगा, किससे? नाखूनों से। तेरे सारा ये नियंतापन है ना, भाईगिरी डॉनगिरी है, जो सारी निकाल दूंगा मैं तेरी। किसके लिए बोला है? हिरण्यकश्यप के। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम नियंता। पौंड्रक चाहता था कि मैं नियंत्रित करूं, भगवान कृष्ण ने नियंत्रित कर दिया। कभी कभी सब लोग घमंड में आ जाते, पांडव लोग सोचते कि मैं नियंत्रण करने वाला था, मैं नियंत्रित करने वाला था, भगवान उनकी भी आंखें खोल देते, नियंत्रण करने वाला तुम नहीं हो, मैं हूं। हमेशा याद रखेंगे परम नियंता कौन है, इशारा करके बताइए, भगवान श्री कृष्ण। और वो नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है उनको, नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है? परम नियंता है वो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना, फोन लगाना होता होगा और ये करना होता, बिजी SMS व्हाट्सएप ईमेल, कुछ डांटना होता होगा। ब्रह्मा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना होता होगा भगवान श्री कृष्ण को, तुमने क्यों समय पर सृष्टि उत्पन्न की? ब्रह्मा शिव जी तुम्हारे को बोला था तांडव नृत्य अच्छे से करना, सृष्टि का नाश अच्छे से होना चाहिए, तो भगवान ऐसे नियंत्रित करते हैं? भगवान कैसे नियंत्रित करते हैं? बांसुरी बजा करके नियंत्रित, अपना बांसुरी बजाते रहते, ऑटोमेटिक सारा सब कुछ उनके जो पुरुषा अवतार है महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु वो सब कार्य करते रहते। ये है भगवान। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करना है मतलब टेंशन हाइट पे वो, ऐसा नहीं है, हमारे जैसे कंट्रोलर नहीं है वो। वो क्या कह सकते हैं, मैजेस्टिक कंट्रोलर है। 16,108 रानियों को वो कंट्रोल किए थे, 16,108 महल थी, हर एक रानी से 10 पुत्र थे, उन उस रुद्रों से एक एक से 10-10 पुत्र थे। सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान कृष्ण। ये तो भौतिक जगत की लीला मात्र है, बाकी तो हम सब लोग भगवान के अंश हैं, सबको कंट्रोल कर। ये है भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है, निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक हैं होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक
क हो ता है, उनका शरीर भौतिक नहीं होता है, दिखता है, दिखता कैसा है भौतिक, लेकिन होता भौतिक नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है और उनका जो शरीर है वो कैसा है, सच्चिदानंद है और वो भौतिक नहीं है। ये लाइन का ऊपर एक प्रश्न आएगा, वो आप लिख लीजिए, परम नियंता भौतिक और आध्यात्मिक जगत में कौन है और उनका स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से देना होगा। पहले प्रश्न लिख लीजिए, भौतिक और आध्यात्मिक जगत में परम नियंता कौन है और उनका स्वरूप कैसा है। तो उत्तर आप इस प्रकार देंगे, भौतिक और आध्यात्मिक जगत में कई कई नियंता है, कई कई नियंता है, बहुत सारे नियंता है, अनेक नियंता है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत में अनेक नियंता है, किंतु कृष्ण परम नियंता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, शिव जी ब्रह्मा जी कभी भी कृष्ण के समान मत मानना इनको, ये गलती मत करना। भले ही कृष्ण के ही द्वारा प्रकट हुए ये लोग हैं, लेकिन परम नियंता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पहला और सेकंड ऑफेंस क्या मालूम है, नाम जप करने में, सेकंड ऑफेंस टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमी गॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, शिवजी और ब्रह्मा जी के नाम को कृष्ण के नाम के बराबर मानना या उनसे अलग मानना, ये क्या है, अपराध है। कोई सोचे मैं हरे कृष्ण बोलो और हरे ब्रह्म बोलो या ब्रह्मा ब्रह्मा बोलो या शिव शिव बोलो या ओम नमः शिवाय बोलो, बराबर है, बिल्कुल नहीं है सर। पहले भी हम एक और बात बोल चुके हैं, आपसे कभी भी कोई ऐसा बोलता है कि किसी की भी पूजा कर लो, सब भगवान है और सब एक ही जगह लेके जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अध्याय सात में कौन सा श्लोक था बताइए, जिसमें ये कहा जाता है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृवते भूतान जी यज्ञानि अपि मां यान्ति अपि मां, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम आ जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के धाम आ जाते हैं। मूर्ख लोगों वाला श्लोक है, देखिए सातवें अध्याय का, जल्दी बताओ, आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसे में पूरा पीछे घुमाऊंगा थोड़ा। तो 23 है श्लोक संख्या 23 अध्याय सात, अध्याय सात 25 अरे पहले अब 25 हो गया, 23 है प्रभु जी जी, तो 23 को मैंने फोल्ड भी करवाया था, आपको याद होगा, तो 23 का पेज फोल्ड करवाया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, अंतवंत तु फलम तेषां तद् भवति अल्पमेदशां, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी देवताओं के फल भी कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, सीमित होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, और यान्ति देवान देव यजन देवान देव यजियो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, मद भक्ता यान्ति मां पपी, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि देवी देवताओं के उपासक भगवान कृष्ण के पास जाने वाले हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। दुनिया अज्ञान से भरी हुई है, आपको मैं बता देता हूं, नहीं जानते ये लोग सब बातें, आप भी नहीं जानते कि आपका कितना बड़ा एडवांसमेंट हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और कैसे सॉफ्टली हुआ ये, एक एक क्षण 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 आपको भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि इतना ज्यादा मैं एडवांस सोच वाला कैसे बन चुका हूं, इतनी अच्छी सोच मेरी कैसे हो चुकी है, कैसे मैं ये सब कुछ जानने लग गया हूं, धीरे 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 करके हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो भगवान ने बता दिया कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे निर्देशक हैं और नियंता है, लेकिन परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है। एक स्वयं ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, शिव जी भी बोले हैं, इंद्र चंद्र वरुण आदि देवता भी बोले हैं, तथा उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है,
सत मतलब बोलो स्वाति जी, आपका माइक अनम्यूट है, बोलो सत का मतलब क्या होता है? चित का मतलब वंदना बारोल जी बताएंगे, चित का मतलब क्या होता है? प्रभु जी याद है लेकिन याद नहीं आएगा, याद है लेकिन याद नहीं आएगा, मेरी अचिंत्य शक्ति है, याद है लेकिन याद नहीं। रुको वंदना मत जी, शाश्वत प्रभु जी, सत का मतलब शाश्वत, चित का मतलब वंदना मत जी, कहाँ गए वंदना मत जी? यस बताइए रीजनल मत जी, बताइए पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वेरी नाइस। और आनंद मतलब आनंद, तो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद, हम सब लोग भी क्या है सच्चिदानंद, पर हमारे सच्चिदानंद को इस शरीर ने है ना बंद कर दिया है, हम फ्री रहना चाहते हैं, हमेशा आनंद करना चाहते हैं, लेकिन शरीर लिमिट कर देता है सच चीज को, आनंद को हम पूरा बड़ा आनंद चाहते हैं लेकिन शरीर जो है उसको लिमिट कर देता है। क्यों ऐसी इच्छा होती है कि मुझे हमेशा आनंद ही चाहिए और अधिक आनंद ही चाहिए? क्योंकि आपका नेचर ही आपका, आप ऐसे ही हो। कोई बोलता है ना कि कोई बहुत ज्यादा किसी को भूख लगती है तो भुक्कड़ है भुक्कड़, इसको और खाना खाना ही होता है और चाहिए होता है उसको। हम सब लोग कैसे हैं? सच्चिदानंद है, आत्मा है हम, और इसलिए हमें चाहिए होता है कि मैं शांति से रहूं, आनंद से रहूं, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहूं, हमेशा आनंद में रहूं, कभी खत्म नहीं हो, कभी बूढ़ा नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो, ये आत्मा का लक्षण है। ठीक है, आगे वाला पैराग्राफ भी कर लेते हैं, फाइनल है, दो चार लाइन का ही है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? अभौतिक, भौतिक नहीं है, हमारा कैसा है? भौतिक। नेक्स्ट, पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, पिछले श्लोकों में क्या क्या, कि भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि खत्म करते हैं, ब्रह्मा जी के जन्म पर सृष्टि बनती है, ब्रह्मा जी के मृत्यु पर सृष्टि खत्म होती है, ये सब अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकते। भौतिक शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं क्या? भौतिक शरीर से ब्रह्मांड? ओम प्रकाश जी कुछ ट्राई करो ना, यहाँ से अपने भी रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकल जाए। नहीं हो सकते, संभव है? ज्यादा से ज्यादा कुछ पत्थर उठाएंगे, मेहनत करेंगे तो एक बूंद पसीना जरूर निकल जाएगा, राइट? भगवान कृष्ण के शरीर, भगवान महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। मूर्ख है वो जो लोग उपहास करते हैं। आज के बाद कभी भी आप जो भी व्यक्ति जो उपहास कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे सुमन माता जी? मूर्ख है, मूर्ख है, तो सीधा बोलेंगे मुंह के ऊपर, यू फूल, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कृष्णा एंड यू जस्ट ब्लेमिंग कृष्णा फॉर एवरीथिंग। उसमें से एक फूल हम भी हैं, उसमें से एक फूल हम भी हैं, क्योंकि जब भी कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं, ये भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, आप मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो, मैं मिला था कि आपको। उत्तर क्या होगा इसका? मेरे कर्मों के कारण है, आपने नहीं दिया, ये तो मेरे कर्मों के कारण, जो मेरा था वो मुझे मिलना है। मूर्ख लोग होते हो, बोलते भगवान आपने कर दिया, ऐसा हुआ आपकी वजह से हुआ। नेक्स्ट, उनका शरीर यहां मानुषिम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। सामान्य व्यक्ति बनकर या सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, सामान्य व्यक्ति है नहीं। अगर वो सामान्य व्यक्ति होते तो क्या जब शिशुपाल का वध, क्या नाम उसका, जयद्रथ का वध होना था, जयद्रथ था, कौन था, जयद्रथ, राइट, तब तो वो सूर्य को ऐसे कह सकते थे क्या, थोड़ी देर के लिए बादलों के पीछे चले जाओ, ढक जाओ, ऐसा लग लेना चाहिए कि सूर्यास्त हो गया। सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है, वही कर सकते, वो सूर्य को भी कंट्रोल कर सकते। क्या कृष्ण हमेशा नियंता है? बचपन में थे तब नियंता नहीं थे, जब थोड़े बड़े हो गए तो नियंता हो गए, ऐसा है क्या?
इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से लिखेंगे आप। कृष्ण हमेशा नियंता है, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण लिखिए, कृष्ण हमेशा नियंता है, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण, बड़ा आनंद आ रहा है क्लास में। हरि बोल। तो कृष्ण क्या है? हमेशा नियंता है। इसका उदाहरण क्या है? सूर्य। उदाहरण क्या लिखेंगे? सूर्य। आप में से जल्दी से बताइए, सूर्य बहुत ज्यादा गर्म कब होता है? पूरा एकदम तपता हुआ गर्म कब होता है? सूर्य तपता हुआ गर्म कब होता है? एकदम गर्मा गर्म फुल ताकत के साथ। दोपहर में प्रभु जी। दोपहर में, बिल्कुल सही बताया। और कोई? और कोई? समर में हमेशा रहता, लेकिन सूर्य हर समय जो है पूरा ताप के साथ रहता है, लेकिन आपका पृथ्वी का अंग इस प्रकार से होता है कि थोड़ा सुबह आपको कम महसूस होता है, थोड़ा और थोड़ा बढ़ते हुए थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, फिर ज्यादा महसूस होता है, फिर ज्यादा महसूस होता है, फिर कम महसूस होने लग जाता है। सूर्य थोड़ा ना कम ज्यादा होता है, ऐसा होता है क्या? सुबह सुबह थोड़ा ठंडा रहेगा सूर्य, फिर थोड़ा गर्म होगा, फिर थोड़ा गर्म होगा, फिर थोड़ा गर्म होगा, फिर अपने को शांत करेगा, ऐसा होता है क्या? अब समझ में आया उदाहरण आपको? बैठ गया अच्छे से? जिस प्रकार सूर्य हमेशा पूर्ण प्रकाश के साथ रहता है हमेशा, उसी प्रकार से कृष्ण जो है हमेशा भगवान। ऐसा नहीं है कि वो जब छोटे बच्चे थे तो उनके अंदर भगवान के गुण नहीं थे। अरे ऐसा होता तो षटकासुर का वध नहीं कर पाते भगवान। ऐसा होता तो उस जो है पूतना का जो प्राण नहीं छीन लेते भगवान उनके जहर लगाने के बाद भी। ऐसा होता तो त्रिणावर्त व्योमासुर अगासुर बकासुर ये सुर 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 जो आए थे असुर उनका वध नहीं कर पाते भगवान छोटी उम्र में। भगवान हर समय भगवान है, हर समय। ठीक है, ये सूर्य का एग्जाम्पल बेस्ट है, हमेशा याद रखेंगे। जैसे हर समय सूर्य पूर्ण ताप के साथ रहता है, लेकिन आप पृथ्वी में अपने दिन या समय में जो समय होता है उसके अनुसार पृथ्वी का जो अक्षांश देशांतर जो होता है उसके अनुसार प्रकाश कम ज्यादा आपको मिलता है। आपकी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है घर में? अभी जहां बैठे होंगे ट्यूबलाइट है कि नहीं? फास्ट जल्दी समझ लो, ट्यूबलाइट है ना? पीछे के रूम में पूरी लाइट आ रही है क्या? उसकी हल्का सा प्रकाश जा रहा है आपके ही ट्यूबलाइट से, लेकिन जहां पर आप बैठे हो वहां पर पूरा प्रकाश आ रहा है, राइट? नेक्स्ट, अब आगे बढ़ो। क्या सुंदर उदाहरण था, प्लीज नोट करना, मेरे को भी याद आएगा फ्यूचर में। मुझे क्या कह सकते, लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय परमात्मने, ऐसा करके श्लोक आता है। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद है, गोपाल तापनी उपनिषद। और क्या रेफरेंस चाहिए? ब्रह्म संहिता, भगवद गीता, भगवत पुराण, गोपाल तापनी उपनिषद, सब जगह तो यही लिखा हुआ है। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है, तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों को आनंद देने वाले आनंद स्वरूप गोविंद है, आप ही एक हो। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, गोपाल तापनी उपनिषद। क्लियर है आप सबको? भगवान सच्चिदानंद है, परम शक्तिशाली है, और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई नियंत्रक नहीं है। इन सब बातों को हम समझ चुके हैं, बट एक वो मनुष्य जैसा रूप धारण करके आते हैं जिससे हमें लगता है कि वो क्या है, एक साधारण मनुष्य है, पर वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब हम चैंटिंग कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।